ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु रिपर और ये दोनों ही तरह के रिपर हैं जो अलग अलग फसलों की कटाई करते हैं, इनकी पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। तो नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी सर। तो सर ये आपने जो जो इम्प्लीमेंट तैयार किए हैं इनके बारे में पूरी जानकारी अपने किसान भाइयों को दे दीजिए, जिससे उनकी पूरी कोई भी सवाल न रहे, उनको पूरी जानकारी मिल सके। ये रिपर है जी। जी सर। ये आपका गेहूं, धान, मक्का, चरी, ज्वार, बाजरा, जो भी आप इससे फसलें हैं उससे आप काट सकते हैं। जी सर। कुछ अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है सर या बड़ी फसल के लिए अलग मॉडल आता है? जी सर। गेहूं और धान के लिए 4 फुट हाइट के लिए ये मॉडल आपके सामने है। जी सर। और ये ट्रैक 4 बैंड का, 5 बैंड का, सारे तरह के मॉडल आते हैं जी। उसमें आगे फ्रंट बैक भी आते हैं। ये बैक वाला मॉडल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। जी सर। और इसके आगे ट्रैक्टर के आगे लगने वाला जो भी आता है, दोनों तरह के मॉडल अवेलेबल है। जी सर। और ये जैसे अब ये कौन सी फसल के लिए यूज में होते हैं सर? ये जो है जो गेहूं और धान के लिए, जो मॉडल गेहूँ और धान के लिए। तो सर ये कितने एचपी तक का ट्रैक्टर इसको चला सकता है सर? कोई भी ट्रैक्टर हो, छोटे से इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं आता। जी सर। सिर्फ 1 घंटे में 1 से 1.5 लीटर 1.25 लीटर तेल खाता है। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। और ये कितनी कटाई कर देता है सर लगभग 1 घंटे में? 1 घंटे में 1 एकड़ काट देता है। 1 एकड़ काट देता है तो लगभग 70 से 80 रुपये का खर्चा आएगा 1 एकड़। जी सर जी। और इसमें कितना वेट है सर लगभग इसके वजन की बात? इसका वेट है 260 किलो। जी सर। तो ज़्यादा वेट नहीं है ट्रैक्टर पर, ज़्यादा लोड भी नहीं गिरेगा। बैक वाला फ्रंट वाले में हो जाता है। जी सर। उसका वेट होता है 320 एक सर। जी सर। तो यहाँ से ज्वाइंट हो जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसमें आपको चैने और ये गरारी मिल जाती हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी का इसमें सभी चीज़ें प्रयोग की हैं। तो आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ये आप इसका सभी शॉट ले सकते हैं। अन्यथा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो डीलर है वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। ये इस प्रकार से ज्वाइंट होता है जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसका ये अलग मॉडल है, इसको ये साथ के साथ उसको पुली को बांध देता है तो ये इसमें एक्स्ट्रा है। सर इसकी कितनी प्राइस हो रहेगी? ये प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसके 2,30,35,000। 2,30,35,000। सर ये किस चीज़ के लिए यूज में होता है सर? ये आम अपना जानवर के डालने के लिए, ज्वार, बाजरा, मक्का काट के छोटी हरी घास वाली फसलें भी जो हैं उसको काट के पीछे घेरता रहता पीछे है। और इसके साथ पीछे ट्रॉली भी लग जाती है। आपने 2 जानवर 3 जानवर रखे हुए हैं घर में, उसके लिए एक ही सारा 10 मिनट में आपका जो है कटाई का मसला। जी सर। कितना प्राइस है सर इसका? इसका 28,000 के लगभग। 28,000 रुपये। और ये ट्रॉली कहाँ पर जुड़ती है सर इसके? इसकी हुक अभी यहाँ पे लगाई नहीं हमने, इसके पीछे हुक लग जाती है, पीछे ट्रॉली लग जाती है। जी सर। ये पीटीओ से चलता है? हाँ, पीटीओ से चलता है। ये जैसे रिपर में आती है उसी प्रकार से आती है और पीछे की तरफ काटती है, चलती पीछे गिरती रहती है फसल, कोई भी हो, खड़ी हो, गिरी हो, जैसी हो फसलों को तो काट ही देना। ये एक तरह की मान लो ट्रैक्टर के लिए दाती है। दाती है। इसमें एक दाती की बजाय कितनी लेबर काम करती है? ये अलग अलग एरिया कवर करके लेके चलती है। जी सर। तो 6 लोगों का कार्य है ये, उससे 5 गुना फास्ट करती है। 10 मिनट में आप अपना काम निपटा के घर में आ सकते हैं। जी सर। जी सर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है किसानों के लिए, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। और इसकी पूरा आपको कहाँ से खरीदना है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये इस कंपनी के आप देख पा रहे होंगे ये सभी इम्प्लीमेंट हैं, तो आप इनमें से कोई भी इम्प्लीमेंट खरीदना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये हरा चारा काट के टुकड़ा करके सीधा ट्रॉली में डाल देती है। सीधा ट्रॉली में डाल देती है। इसमें साइलेज के लिए ये बहुत बढ़िया मशीन है। जी सर। और ये आप इसके अंदर इंजन है? ये इंजन वाला। जी सर। कितने एचपी का इंजन आता है इसमें? इसमें 7.5 HP का भी आता है, 9 HP का, दोनों तरह के मॉडल इसमें। जी सर। जी सर। और कीमत क्या है सर इसकी लगभग है? इसकी 1.25 लाख के लगभग। और उसकी सर है? इसकी तो आती है सर 3,30,000। 3,30,000। तो ये सभी चीज़ें किसानों की काफ़ी सहूलियत हो सकती हैं, तो आप इनको खरीद करें। आपकी समय के हिसाब से अभी जैसे कम ज़्यादा मार्केट के रेट होते रहते हैं वगैरह के, जो भी करंट प्राइस होगा आप जब भी विजिट करते हैं उस टाइम पर आपको प्राइस का पता चल जाएगा, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर लेना। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी देने के लिए। जी सर। शुक्रिया। शुक्रिया।